Hello friends, welcome to the Engineers Hub. I am Sasi Kumar. In the last lecture, we have already discussed about the surface tension and capillarity of the fluid. So in this video, we will discuss about the compressibility and cavitation of the fluid. Okay? So before starting the video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you will get the latest notification from this channel. So let's start the video. Okay? तो ये हम लोग जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है. ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड टू कंप्रेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, तो क्या है एबिलिटी टू कंप्रेस? तो कंप्रेस मतलब क्या है? कंप्रेस करने का मतलब कि एबिलिटी टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम, कि मतलब इसका वॉल्यूम क्या है कि डिक्रीज करने की कितना क्षमता है एक फ्लूइड का. ठीक है, कोई भी फ्लूइड हो जैसे वाटर है या फिर कोई भी फ्लूइड है, तो उसका हम लोग क्या है कि वॉल्यूम डिक्रीज करने की कितनी क्षमता है उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? अल्फा से. तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? डी वी अपॉन वी बाय डी पी. ठीक है, इसको हम लोग देखिए माइनस सिंबल से डिनोट किए हैं. माइनस सिंबल से इसलिए डिनोट किए क्योंकि इसका क्या है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय चेंज इन प्रेशर. तो चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये हो गया डी वी बाई वी या डी पी चेंज इन प्रेशर. ठीक है, और इस सेम चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं डी रो अपॉन रो, यानी चेंज इन डेंसिटी बाय डेंसिटी अपॉन चेंज इन प्रेशर. ठीक है, तो आइए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग क्या है. द इनवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नॉन एज बल्क मॉडुलस. तब क्या है कंप्रेसिबिलिटी के इन्वर्स को हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? के से. तो के इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? वन अपन अल्फा, और के इज इक्वल टू वन अपन अल्फा यहाँ पर फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी पी अपन चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मीन्स चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर कितना होता है? बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर होता है 2 गीगा पास्कल. ठीक है, इसका कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होता है? पास्कल. नहीं, बल्क मॉडुलस का ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल. एंड डायमेंशन क्या है? एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू. ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड. ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड हैविंग हाई बल्क मॉडुलस आर रिगार्डेड एज कंप्रेसिबल फ्लूइड, दैट इज ऑल द लिक्विड्स. मीन्स अगर के यानी बल्क मॉडुलस अगर बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्लूइड विथ रिलेटिवली लो बल्क मॉडुलस कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज कंप्रेसिबल फ्लूइड. ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है? ऑल द गैस. मीन्स अगर बल्क मॉडुलस रिलेटिवली लो यानी कि कम रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबल फ्लूइड. ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड. तो कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलने का क्या मतलब है? कि कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलने का मतलब ये है कि हम लोग उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्रेसिबिलिटी. तो अब नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लो. तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लो डिसाइड कैसे किया जाता है? तो इसको डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है हमारा अगर लेस देन 5 हुआ, देखिए यहाँ पर लेस देन 5 हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्रेसिबल फ्लो. और ग्रेटर देन 5 हुआ तो हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लो. ठीक है, तो देखिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कैन ऑल्सो हैव कंप्रेसिबल फ्लो. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी कि क्या है? जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं उसमें भी क्या होता है? कंप्रेसिबल फ्लो होता है. किसमें? इसका एग्जांपल है क्या? वाटर हैमर इफेक्ट. तो देखिए वाटर हैमर इफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे जब हम लोग पाइप फ्लो पढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि वाटर हैमर इफेक्ट क्या होता है. तो आइए हम लोग जानते हैं पहले वाटर हैमर इफेक्ट होता क्या है. ठीक है, तो देखिए वाटर हैमर इफेक्ट क्या होता है? जैसे पाइप है, पाइप में हमारा क्या है? लिक्विड फ्लो कर रहा है. लिक्विड क्या है? फ्लो कर रहा है. तो पाइप में क्या है? गेट लगा हुआ है. यहाँ पे गेट. जब पाइप हमारा क्या है? सडन वेलोसिटी वी से फ्लो कर रहा है, और ये जो गेट है गेट को हम लोग सडन क्लोज कर देंगे तो यहाँ से क्या है? फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज आएगा और यहाँ से टकराएगा और यहाँ से रिटर्न जाएगा. तो यहाँ से रिटर्न जाएगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा? प्रेशर जो है बढ़ जाएगा. ठीक है, इस जो प्रेशर है बढ़ जाएगा.
को वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड का क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है, मीन्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर हैमर इफेक्ट, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लो, देखिए नेक्स्ट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लो कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डायमेंशनलेस नंबर नॉन एज मैक नंबर, ठीक है। तो मैक नंबर के बेसिस पे भी हम लोग कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर होता है वी अपॉन सी। तो वी क्या है, देखिए यहाँ पे है, वी क्या है, फ्लो वेलोसिटी है, और सी क्या है, एकॉस्टिक वेलोसिटी है। तो एकॉस्टिक वेलोसिटी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर के बाय रो। तो के क्या हो गया, के हो गया हमारा बल्क मॉडुलस, और रो क्या हो गया, डेंसिटी, ठीक है। तो देखिए हम लोग एकॉस्टिक वेलोसिटी के बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एकॉस्टिक वेलोसिटी क्या होता है कि द वेलोसिटी ऑफ डिस्टर्बेंस प्रेशर वेव इन ए फ्लूइड मीडियम इज नोन एज एकॉस्टिक वेलोसिटी। देखिए होता क्या है, जैसे हमारा एक पाइप है, इसमें क्या है, लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो जो फ्लो कर रहा है, इस फ्लो को तो कोई तो अपोज करता होगा इधर से, कोई फोर्स या कोई वेव। तो जो वेव है, वेव प्रेशर है जो अपोज कर रहा है, उसका जो वेलोसिटी होता है, ठीक है, अपोज जो फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी को अपोज करता है, उसका जो वेलोसिटी होता है, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक वेलोसिटी, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक वेलोसिटी। तो देखिए मैक नंबर के बेसिस पे हमारा कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है फ्लो का। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, मैक नंबर अगर लेस देन 0.3 हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और अगर मैक नंबर हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0.3 हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लो। और अगर मैक नंबर लेस देन 1 हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे सबसोनिक फ्लो। और मैक नंबर इक्वल टू 1 हुआ, यानी एक के बराबर हुआ मैक नंबर, तो हम लोग उसको बोलेंगे सोनिक फ्लो। और अगर मैक नंबर 1 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा, मीन्स 1 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा हुआ, तो हम लोग उसको बोलेंगे सुपरसोनिक फ्लो। और अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 3 यानी 3 से ज़्यादा हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक फ्लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्रेसिबल फ्लो का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग जानते हैं कि कैविटेशन, कैविटेशन होता क्या है, ठीक है। व्हेन अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए सिस्टम कम अक्रॉस ए रीजन वेयर द प्रेशर इज लेसर देन द वेपर प्रेशर, देन द सम ऑफ इट्स लिक्विड मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू वेपर, दिस वेपर मॉलिक्यूल फॉर्म अ स्मॉल पॉकेट्स ऑफ वेपर नॉन एज कैविटीज, द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैविटीज इज नॉन एज कैविटेशन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे फ्लूइड क्या है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर का जो प्रेशर है, ये जो जिस इसके अंदर में कुछ प्रेशर होगा पी, अगर वो लेस देन हो गया क्या है, वेपर प्रेशर से, तो क्या होता है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड मॉलिक्यूल क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस जो वेपर का जो पॉकेट्स ऑफ वेपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैविटी, और इस प्रोसेस का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैविटेशन, ठीक है। तो देखिए एक कैविटेशन नंबर होता है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, कैविटेशन नंबर होता है जिसको हम लोग सिग्मा सी से डिफाइन करते हैं, सिग्मा सी से। तो वो क्या होता है, कैविटेशन नंबर सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन प्रेशर और वेपर प्रेशर डिवाइड बाय हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पी क्या है, यहाँ पे प्रेशर जो फ्लूइड के अंदर का प्रेशर है, वी पी वेपर क्या है, वेपर प्रेशर, एंड हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, डायनेमिक प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग को अवॉइड करना है कैविटेशन, मीन्स अगर कैविटेशन फॉर्मेशन नहीं होने देना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैविटेशन नंबर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मीन्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, तब क्या होगा, हमारा कैविटेशन फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, कैविटी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है। और क्या है कि हमारा ये पहला चैप्टर है जो प्रॉपर्टी जो फ्लूइड वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है, ओके।